बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर वन है इसका, 2x² + 3x - 1 = 0। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x² + 3x - 1 = 0। यहाँ पर इक्वेशन के मुताबिक ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू -1, ये वाला, ठीक है। और इसका डिस्क्रिमिनेंट है इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। तो बी की वैल्यू हमने 3 पुट की यहाँ पर और ब्रैकेट लगा के हमने स्क्वेयर लगा दिया और -4 वैसे क्या वैसे ही लगा दिया और एक जगह इसकी वैल्यू पुट की 2 और इस सी की जगह इसकी वैल्यू पुट की -1। अब इज इक्वल टू 3 3 द 9 स्क्वेयर खोलेंगे तो 3 3 द 9 + 4 2 द 8 और 8 1 द 8 इज इक्वल टू, जब 9 में 8 प्लस किया तो क्या आया 17। यह आंसर है इसका स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर वन है, x² - 23x + 120 = 0। सॉल्यूशन है x² - 23x + 120 = 0। यहाँ पर जो x की जगह वैल्यू पुट की है वो है 1, इसलिए इज इक्वल टू 1 है। और यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो -23 है और यहाँ पे c की वैल्यू है 120। तो डिस्क्रिमिनेंट है इसका इज इक्वल टू b² - 4ac। तो स्टूडेंट फिर यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू है -23² - 4, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट की 1 और सी की जगह भी उसकी वैल्यू पुट की 120। तो स्टूडेंट्स 23 को जब 23 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 529। जब इसका स्क्वायर खोला तो क्या आया 523 523 529। और यहाँ पे माइनस फिर 4 1 द 4, 4 को जब 120 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 480। जब 529 - 480 किया तो क्या आया 49। सो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है। द रूट्स आर रियल रेशनल एंड अनइक्वल, ये इसका परफेक्ट स्क्वेयर है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। एक्स इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac बाय 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जब हमने वैल्यू पुट की तो -23 आया प्लस माइनस और स्क्वेयर रूट, फिर बी की वैल्यू पुट की -23² - 4, ए की वैल्यू पुट की 1, सी की वैल्यू पुट की 120 बाय 2 और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट की 1। अब एक्स इज इक्वल टू है 23, जब हमने ये ब्रैकेट खोली माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए +23, यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वेयर रूट और इसको फिर 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 529 - 4 1 द 4, 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया था 480 बाय 2 1 द 2। एक्स इज इक्वल टू 23 + - जब इसको इससे माइनस किया तो 49 आया स्क्वेयर रूट 49 बाय 2। एक्स इज इक्वल टू 23 + - 7, 49 का स्क्वेयर रूट है 7 बाय 2। इधर एक्स इज इक्वल टू 23 + 7 बाय 2 और एक्स इज इक्वल टू 23 - 7 बाय 2।
पहले यहाँ पे प्लस माइनस इकट्ठे था, अब यहाँ पे प्लस में वैल्यू लिखी है और यहाँ पे माइनस में। एक्स इज इक्वल टू 23 में 7 प्लस किया 30/2, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 23 में हम 7 माइनस किया 16 आया बाय टू। अब 2 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आएगा, और यहाँ 2 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 8 वैल्यू आई है। द रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। सॉल्यूशन है, लेट के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0। यहाँ ए इज इक्वल टू के स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के प्लस 1 ब्रैकेट सी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी वी गेट इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट 2 ब्रैकेट के प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट 4 स्क्वायर ओ सॉरी ब्रैकेट 4 स्मॉल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट इज इक्वल टू। अब हमने इसका स्क्वायर खोला तो 2 टू द 4 और के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1। जब हमने इसका स्क्वायर खोला तो हमारे पास ये क्वेश्चन आई, और यहाँ पे 4 4 द 16, 16 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर अब इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर। जब हमने ये ब्रैकेट खोली तो इसके साथ 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के स्क्वायर प्लस 4 2 द 8 के 4 1 द 4 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के प्लस 4 माइनस 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 16 के में से 4 के स्क्वायर को माइनस कर दिया तो यहाँ आया 12 के स्क्वायर, तो बाकी 8 के प्लस 4 यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 8 के प्लस 4 माइनस 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको 12 के स्क्वायर को पहले लिख देंगे फिर माइनस 8 के फिर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया, इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 3 द 12 के स्क्वायर माइनस 4 2 द 8 के 4 1 द 4 इज इक्वल टू 0। अब 3 के स्क्वायर माइनस यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया इसका, 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको बाहर लिख दिया हमने, 3 के यहाँ कॉमन है इसको बाहर लिखा, ब्रैकेट के प्लस 1 के को अंदर लिखा माइनस 1 ब्रैकेट प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन है 1 को बाहर लिखा फिर ब्रैकेट में के माइनस 1 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब इनमें से ये दोनों कॉमन है के माइनस 1, यहाँ पे भी ये कॉमन है इसलिए ब्रैकेट के माइनस 1 यहाँ लिख देंगे, और जो 3 के प्लस 1 है इसको इधर ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये लादा लादा कर देंगे इज इक्वल टू 0, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब के इज इक्वल टू 1, ये माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा और इधर 3 के इज इक्वल टू
माइनस वन, ये प्लस वन को इधर ले आएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे के इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, ये जो थ्री है ये वन के नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे के की वैल्यू, यहाँ वन आई और यहाँ पे के की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री आई। ये था आज का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपने, आपको जो समझ ना आया वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपको जो एक्सरसाइज समझ नहीं आती अपने यूनिट की, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं तो मैं आपको वो समझा दूँगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।